हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मुंडे गिटारिस। सो आज का जो हमारा लेसन है वो है बेला चाओ का फिंगर स्टाइल ट्यूटोरियल, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। और जिसने हमारा इसका कवर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसको देख लीजिए, अच्छे लगे तो लाइक करें, और अगर सीखने का मन करे तो इस वीडियो पे आएं और आप उसको सीख भी सकते हैं। और जो नए जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। हमारे चैनल पे आपको सारी लेटेस्ट सॉन्ग्स के कॉर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, टैब्स मिल जाएंगे, फिंगर स्टाइल कवर देखने को मिलेगा, प्लस एडिशनल में आपको फिंगर स्टाइल के ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। तो इस चैनल से आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका बेला चाओ का फिंगर स्टाइल ट्यूटोरियल। सो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो पार्ट बताता हूँ कि उसमें क्या प्ले हो रहा है, फिर मैं आपको स्लोली उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपको उसको कैसे प्ले करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, देखते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है, आप अपनी फर्स्ट फिंगर को रखेंगे फिफ्थ फ्रेट, फिफ्थ सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको प्ले करने के बाद इसको स्लाइड मारेंगे आप सेवन तक, ठीक है। फिर आप जाएंगे नाइन्थ पे, और जब आप पिंकी फिंगर से टेंथ फ्रेट को प्ले करेंगे तो इसके साथ आप हल्के से सिक्स्थ स्ट्रिंग को भी प्ले कर लिया लाइक दिस। तो ये एक तरीके से आपकी फिंगर क्या रोल होगी, ठीक है, ये सिक्स से एकदम फिफ्थ के साथ क्या साउंड करेगा, ठीक है। और जब आपने ये प्ले किया तो इसके बाद आप प्लग करेंगे सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग को, दोनों को साथ में लाइक दिस, ठीक है, क्या साउंड करेगा, ठीक है। जैसी आपने इसको प्लग किया इसके बाद आप ये अपनी फिंगर हटाएंगे और सेवंथ फ्रेट से, सेवंथ फ्रेट को फिफ्थ स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट को प्लग करेंगे और इसको वापसी स्लाइड मारेंगे सेकंड तक, ठीक है, सेवन से सेकेंड में स्लाइड मारेंगे तो क्या साउंड करेगा, एक बार और स्लोली बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये स्टेप जो है आपका दो बार प्ले होगा, और जब तीसरी बार आप आएंगे ये वाला पार्ट, यहां तक का जो पार्ट है वो आप सेम बजाएंगे, दो बार आपने वो प्ले कर लिया, तीसरी बार आप आए यहां तक का पार्ट आप सेम प्ले करेंगे, उसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये, वो ये है, यानी आपने सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्लग करा, इसके बाद आप गए नाइन्थ फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, देन सेवन्थ फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको प्ले करने के बाद आप वापस फिर टेंथ फ्रेट पे आएंगे अपनी पिंकी फिंगर से, और फिर वही बेस सिक्स स्ट्रिंग के साथ इसको प्ले करेंगे, ठीक है। और इसको प्ले करने के बाद फिर आप सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, ठीक है, तो कैसे साउंड करेगा, सॉरी आपको दो बार प्ले करना है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट फिंगर को रखना है फिफ्थ फ्रेट की, सॉरी फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, और अपनी थर्ड फिंगर को रखना है थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे लाइक दिस, ठीक है। अब इस पोजीशन में आपके फाइव नोट्स प्ले होंगे, जो कि हैं ये
मैं आपको स्लोली बता दे रहा हूं। अब ये क्या हो रहा है, आपको आपकी पोजीशन आपके हैंड की पोजीशन यही रहेगी, ठीक है। अब जो आपको स्ट्रिंग प्ले करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिफ्थ और थर्ड साथ में, ठीक है। उसके बाद ओपन सेकंड, अब सिक्स और थर्ड, फिर ओपन सेकंड, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग प्ले करेंगे आप, ठीक है। तो साउंड कैसे करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको करना है वो है ये, अब इसमें क्या हो रहा है, आप गए फाइव सॉरी थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट से सेकंड फ्रेट पे, फोर टू, और उसके बाद आप प्ले करेंगे ओपन फर्स्ट, ठीक है। जब आपने थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट से फिर आप गए सेकंड फ्रेट पे, फिर आपने ओपन सेकंड स्ट्रिंग प्ले करी, ठीक है। अब आप इसके बाद जो पकड़ेंगे वो आप ए माइनर का शेप पकड़ लेंगे, ठीक है। आपने ये ए माइनर कॉर्ड पकड़ ली, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये, ठीक है। आपने ए माइनर कॉर्ड पकड़ रखी है और आप फिफ्थ स्ट्रिंग को बेस लेके इसके साथ आप सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, और एक बार खाली सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, ठीक है। तो साउंड कैसे करेगा मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट भी बता रहा हूं, और इन दोनों को साथ में प्ले करके स्लोली बता रहा हूं कैसे साउंड करेगा। इसके बाद जो आपको करना है वो है ये, आपने ए माइनर कॉर्ड पकड़ रखी है, ओपन सिक्स स्ट्रिंग, फिर थर्ड और फोर्थ, ओपन सिक्स, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग को प्लग करेंगे आप, और उसके बाद आप फिफ्थ स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, ठीक है। क्या साउंड करेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन स्लोली स्लोली आप पहले स्लोली से शुरुआत करिए, और एक बार अगर आपने स्लोली इसको सीख लिया तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट था, ये बाद वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब आपने ये किया अब उसके बाद आप मारेंगे सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, उसके बाद आप अपनी फर्स्ट फिंगर को हटा देंगे, और इसके साथ आप ओपन सेकंड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, आपकी शेप यही है, बस ए माइनर शेप है, बस आपकी फर्स्ट फिंगर हटी है और आप थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये, अब इसमें फिर क्या हो रहा है, ए माइनर कॉर्ड आपने पकड़ी हुई है, आपने फिर फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्लग किया, और उसके बाद फर्स्ट फिंगर हटा दी और आपका सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को फिर से प्लग किया, ठीक है। ठीक है, अब जब आपने ऐसे हटाया, ये प्ले किया, इसके बाद आप ई माइनर कॉर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है, और ई माइनर कॉर्ड यानी कि आपकी थर्ड फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग एंड योर
middle finger on the second fret of fifth string and your third finger on the fourth string second fret, ठीक है? ये आप यहां चले आएंगे और इसमें जो आपको प्ले करना है वो है ये, यानी ओपन सिक्स थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग टुगेदर एंड देन फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है? यहां आए, ये प्ले किया था आपने, फिर इसके बाद सीधे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद प्ले करेंगे ओपन सेकेंड और अपनी पिंकी फिंगर रखेंगे सेकेंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग और उसके बाद आप प्ले करेंगे ओपन थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है? ठीक है, तो क्या साउंड करेगा? अब इसके बाद जो आपको शिफ्ट होना है वो यहां शिफ्ट होना है। आप अपनी फर्स्ट फिंगर को रखेंगे सेकंड फ्रेट ऑफ सिक्स्थ स्ट्रिंग पे और अपनी पिंकी फिंगर को रखेंगे फोर्थ फ्रेट ऑफ फोर्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है? लाइक दिस। और जो अब जो आप प्ले करेंगे इन दोनों को साथ में प्लग करेंगे सिक्स्थ और फोर्थ स्ट्रिंग को, ठीक है? और इसके बाद आप फिर से सिक्स्थ स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, ठीक है? कैसे प्ले करना है इसको? आपने इन दोनों को प्लग किया, उसके बाद आपने इसको प्लग किया सिक्स को, फिर आप सेकंड स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, फिर सिक्स को, फिर थर्ड को, फिर सिक्स को, फिर फोर्थ को, फिर सिक्स को, फिर आप ई माइनर पे आ जाएंगे, ठीक है? कैसा साउंड करेगा? ठीक है, E माइनर पे आए। इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट ऑफ सिक्स्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट ऑफ सिक्स्थ स्ट्रिंग, देन ओपन सिक्स्थ स्ट्रिंग, ठीक है? तो मैं आपको अब ये वाला पार्ट एक बार स्लोली पूरा प्ले करके दिखाता हूं कि कैसे प्ले होना है। और प्लस अगर जल्दी सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा सुनिए, जितनी ज्यादा बार आप इसको सुनेंगे उतनी इजीली आप इसको कैच कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी था, ये वाला पार्ट भी मैं आपको जो सेकंड पार्ट का हिस्सा है वो मैं आपको स्लोली प्ले करके फिर से दिखा देता हूँ कि इसकी मेलोडी एक्चुअली में है क्या। देखते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, ओपन थर्ड, ओपन सेकंड, देन ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। अब ये थर्ड फ्रेट जो आप प्ले करेंगे वो एक तो ओपन फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ प्ले करेंगे प्लस साथ में इसके सेकंड स्ट्रिंग भी प्ले करेंगे, ठीक है? तो क्या साउंड करेगा? ठीक है, जब आपने ये प्ले किया उसके बाद आप ओपन फर्स्ट और सेकंड को प्ले करेंगे, कैसे साउंड करेगा? और इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये, इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये ओपन सिक्स स्ट्रिंग, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे आप और फिर उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, ठीक है? ठीक है, और फिर दोबारा से वही चीज प्ले करेंगे, ठीक है? अब ये तो वो पहले वाला पार्ट था आपका,
इतना तो सेम वही पार्ट है। अब इसमें जो आपको ये इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग को आप ओपनली प्ले करेंगे, ठीक है। कैसे साउंड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आप प्ले करेंगे वो है सेकेंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इसी पे आ जाएंगे आप, सेम वही चीज हो रही है, फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग, फिर सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। दो बार यही चीज चलेगी आपकी, ठीक है। स्लोली बता दे रहा हूं, सेकेंड थर्ड ओपन, सेकेंड फ्रेट ओपन, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ, फिर सेकेंड थर्ड ओपन, फिर सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट देन ओपन, ठीक है, ठीक है। अब इसके पार्ट जैसी ये प्ले किया आप एकदम अपनी पिंकी फिंगर से जाएंगे आप सेवंथ स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको आप प्ले करेंगे ओपन सिक्स्थ स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और एक बार आपने ये प्ले किया और इसके बाद आप फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी थर्ड फिंगर को आप रखेंगे सिक्स स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट पे और फिर इन दोनों को साथ में प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग और उसके बाद फिर इसको प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है। तो साउंड कैसे करेगा, ठीक है। के बाद सेवंथ फ्रेट फिफ्थ फ्रेट सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ठीक है। अब जो आपको प्ले करना है वो है ये, ठीक है। आपने फाइव सेवन सेवन फाइव सेवन प्ले किया, इसके बाद आप अपनी पिंकी फिंगर को रखेंगे एट फ्रेट पे और अपने फर्स्ट फिंगर से बार करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग तक, ठीक है। फिफ्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग तक बार करेंगे और पिंकी फिंगर को रखेंगे एट फ्रेट पे और उसके बाद जो आप प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को, एक बार फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे और दूसरी बार बिना फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। कैसा साउंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है फिफ्थ स्ट्रिंग उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग देन ओपन सिक्स स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे साउंड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको करना है वो है ये सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को साथ में पिंकी फिंगर एट फ्रेट पे ही है, फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को साथ में देन सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे देन इसको हटा देंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, फिफ्थ फ्रेट पे आपका फिंगर है ही फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको प्ले करना है वो है ये फिर फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को प्ले करना है और उसके बाद पिंकी फिंगर को हटा के अपनी थर्ड फिंगर को रखना है सेवन फ्रेट पे और फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को प्ले करना है, ठीक है। तो साउंड कैसे करेगा, स्लोली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको करना है वो ये है ओपन सिक्स फर्स्ट सेकंड एंड देन ओपन सिक्स, ठीक है। कैसे साउंड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेवंथ फाइव थर्ड थ्री, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड फ्रेट पे जाएंगे और फिफ्थ स्ट्रिंग के भी सेकेंड फ्रेट पे आप अपना बेस नोट लेंगे और इन दोनों को फिफ्थ स्ट्रिंग को और फर्स्ट स्ट्रिंग को साथ में प्ले करेंगे, ठीक है। और
और जैसे ही आपने इन दोनों को प्ले किया उसके बाद आप सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करेंगे, ठीक है। इसको प्ले करने के बाद आप नीचे आएंगे वापस सेवंथ फ्रेट पे, और इस बार आप दूसरी बार जो बेस नोट लेंगे आप वो लेंगे सिक्स फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग के, फिर इन दोनों को प्लग करेंगे इसके साथ, फिर सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग, इसके बाद फिर आप जाएंगे वापस थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग के, और आपकी फर्स्ट फिंगर होगी सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर इन दो को प्लग करेंगे, फिर सेकंड थर्ड, और इसके बाद ये वापस आ जाएगा सेकंड फ्रेट पे, आपकी थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट पे आ जाएगी, बेस यही है सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर इसे प्ले करेंगे, फिर इसको प्ले करेंगे सेकंड और थर्ड, फिर उसके बाद ओपन कर देंगे इसको और फिफ्थ स्ट्रिंग को ओपन फर्स्ट के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। तो स्लोली बता रहा हूं कैसे साउंड करेगा, यहां तक गए, ठीक है। इसके बाद सेम वही वाला है, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड सेकंड। अब इसके बाद जो आपको करना है, सेकंड जैसे ही आप मारेंगे इसके बाद आप स्लाइड देंगे 12th फ्रेट तक, ठीक है। इसके बाद आप हारमोनिक्स मारेंगे, जो कि मारेंगे आप 12th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो कैसे मारनी हारमोनिक्स, हल्का सा आपको हाथ रखना है अपनी स्ट्रिंग्स पे 12th फ्रेट पे, ठीक है, एकदम लास्ट में जहां पर ये पॉइंट होता है ना वहां पर रखना है आपको। ये ऊपर वाला हिस्सा आपकी सिक्स स्ट्रिंग को छुएगा और नीचे का ये हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका ये हिस्सा, ये यहां पर छुएगा सिक्स स्ट्रिंग पे, और जो नीचे वाला ये हिस्सा है ये आपका नीचे वाली सिक्स स्ट्रिंग पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे छुएगा, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल लाइटली। और जैसे ही आप इन दोनों को प्लग करेंगे एकदम आपको अपना हाथ हटा देना है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका, उसमें आपका आएगा ट्रेमेलो पार्ट भी है और उसमें काफी काम करने वाली चीज है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से इसके बाद सेकंड पार्ट दूंगा जिसमें आपको मैं वो वाला पार्ट पूरा सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये पार्ट आप जब तक प्रैक्टिस करिए और एक दो दिन में जल्द से जल्द मैं उस पार्ट को भी डालने की कोशिश करूंगा। और जिस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, आप इसे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और पहले स्लो से स्टार्ट करिए, स्लोली बजा के देखिए, स्लोली आपके फिंगर्स अगर मतलब स्टेबल हो गई हैं फिंगर्स आपकी स्ट्रिंग्स के साथ, फिर उसको धीरे धीरे उसका टेम्पो बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये पार्ट आप जब तक प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू गाइस।